कैसे रहो जी? झोपड़ी में रहने को तैयार है, लेकिन मकान नहीं अब बिजली के बिल इतने आ रहे हैं जो कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, जो हम भर नहीं पा रहे हैं। हमारा सौर के नाम का बिजली कनेक्शन था, सौर खत्म हो गया, उनके ना तो कोई मुआवजा मिला हमें, नहीं हमें ना ही हमें बिजली के यानी बिजन तक के नहीं मिला जी। ज्ञापन आपको मिला है, किन समस्याओं को लेकर मिला है? इसमें इन्होंने समस्याएं दी है, विद्युत बिल के संबंध में है, राशन कार्डों के संबंध में है, वोटर लिस्ट के संबंध में है, और किसानों को सही उपज के दाम न मिलने के संबंध में, गैस सब्सिडी के संबंध में इनके द्वारा मांग रखी गई है, जो महामहिम महोदय को इसको प्रेषित किया जाएगा। बिजली के बिलों का ये आलम है कि कंपनियों से साजबाज करके कुछ नेतागण बैठे हुए सरकार में और कुछ विद्युत कर्मचारी, उन्होंने कंपनियों से साजबाज कर ली है और ऐसा लगता है जैसे फूल प्लेट जो है जिससे लाइट मिलती है, इसी तरह से मीटर के बिल जो है धूप की हीट से तेज चलते हैं। अगर 10 यूनिट बनाना है तो एकदम 100 यूनिट बना देते हैं। आज पुलिस से इतना डरा हुआ इंसान नहीं है जितना डरा हुआ बिजली कर्मचारियों से है, कि हर मुद्दे के ऊपर रामपुर वाले नेताजी बोलते हैं मगर वसीम रिजवी के ऊपर नहीं बोलते। ये बड़ा मीठा मुद्दा हो या उनके लिए खट्टा मुद्दा है, हमारे लिए मीठा मुद्दा है कि बोलें, उनके लिए खट्टा मुद्दा है ना बोलें। और खट्टा मुद्दा यूं है कि उन्होंने शिया धर्म गुरु को शिया वक्फ बोर्ड से हटाकर वसीम रिजवी को स्टेट में चेयरमैन तैनात कराया गया है। मजारों को तोड़ने के या बीजेपी आरएसएस की हिमायत में वसीम रिजवी अपना पद बचाते हैं, माननीय आजम भाई के पाप बचाते हैं, दोनों एक हैं, एक राय है, दोनों गुरु चेले हैं। बराए मेहरबानी आजम खान साहब, हमारी मांग है कि आप सड़कों पे वसीम रिजवी की मुखालफत करें तो हम जानेंगे कि आप वाकई आप सेकुलरिज्म के हामी हैं और आप मुस्लिमों के नेता हैं।